खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 1 जून 2024 यानी कि नए महीने की पहली तारीख पर भगवान मंगलदेव करेंगे महागोचर। 30 साल बाद बनेगा रोचक राजयोग। 5 राशि वाले लोगों की अचानक से चमक जाएगी किस्मत। भगवान बजरंग बली के आशीर्वाद से अपार मिलेगा धन का लाभ। कर्ज से होगा छुटकारा और साथ ही बनेगा विवाह योग। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। पूरे 30 साल के बाद मंगलदेव नीच राशि से निकलकर उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और आपको बता दें, मंगलदेव के उच्च राशि में प्रवेश करते ही अचानक से 5 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। अपार रूप से उनको धन का लाभ मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियाँ जिनकी किस्मत के दरवाजे भगवान मंगलदेव के आशीर्वाद के साथ ही बदल रहे हैं। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुँच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 9 ग्रह होते हैं और सभी 9 ग्रहों में से मंगलदेव को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। आपको बता दें, 1 जून के दिन भगवान मंगलदेव नीच राशि से निकलकर अपनी स्वयं की उच्च राशि यानी कि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और जैसे मंगलदेव का बदलाव होगा, उसके बाद बनेगा रोचक राजयोग। रोचक राजयोग के प्रभाव से कई राशि वाले लोगों को भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम, शौर्य, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं, मंगलदेव के महागोचर के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ऐ चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए मंगलदेव का गोचर करना काफी अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। एक तो मंगलदेव आपकी गोचर कुंडली के लग्न भाव में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे में आप लोगों के साहस और पराक्रम दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। करियर के क्षेत्र में भी आपको तरक्की के अच्छे अवसर मिलेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी। जो भी मेष राशि वाले व्यक्ति अगर नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं, तो नौकरी करने वाले लोगों को उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपको प्रमोशन तो होगा ही, साथ ही भगवान श्री बजरंग बली के आशीर्वाद से तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होगी। जून के महीने में आप कोई भी वाहन या प्रॉपर्टी आदि खरीद सकते हैं। जो भी विवाहित है, शादीशुदा है ना, ऐसे सभी लोगों का घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। वाणी में तो मधुरता होगी ही, साथ ही कई दिनों से अगर आपके मन में कोई भी तनाव, टेंशन, पीड़ा, दुख, कोई भी दर्द चल रहा था ना, तो वो भी अब दूर होने वाला है। मित्रों, मेष राशि के स्वामी ही मंगलदेव है, जो कि अब अपनी स्वयं की राशि में विराजमान होने जा रहे हैं और साथ ही वो आपके 8वें घर में बनेंगे। ऐसे में मंगलदेव का गोचर करना आप लोगों के लिए अचानक से धन का लाभ दिला सकता है। लंबे समय से अगर आप कर्ज से परेशान है, चाहे बैंक का लोन हो या आपने अपनों से रिश्तेदारों से कोई भी पैसा उधार ले रखा हो, उस कर्ज से भी आपको राहत मिलेगी। कुंवारे और बेरोजगार लड़के लड़कियों के लिए भी रिश्ते की बातचीत चलना शुरू होगी और साल 2024 में आपको विवाह से जुड़ी बड़ी और शानदार खुशखबरी मिलने की संभावना है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि भगवान श्री हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए बड़े मंगलवार के दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और साल में 1 बार किसी भी मंगलवार को भगवान श्री बजरंग बली को चोला जरूर अर्पित करें, क्योंकि मंगलदेव आप ही की राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में मंगलदेव का पूरा लाभ लेने के लिए हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं। चलिए जान लेते हैं मंगलदेव की राशि परिवर्तन के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी रोचक राजयोग का बनना काफी अच्छा और शुभ फलदायी सिद्ध होगा, क्योंकि एक तो यह महत्वपूर्ण राजयोग आपकी गोचर कुंडली के इनकम के स्थान पर बन रहा है। ऐसे में समय समय पर जून, जुलाई और अगस्त 3 महीनों में अचानक से धन का लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कई क्षेत्रों से धन लाभ के भी योग बनेंगे। अगर कर्क राशि वाले कोई भी अपना व्यापार करते हैं, चाहे स्वयं का कामकाज हो या पार्टनरशिप में कोई भी व्यापार हो, व्यापार में आर्थिक रूप से प्रॉफिट रहेगा। दिन दुगुनी रात चौगुनी गति मिलेगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उसी में आपको कामयाबी मिलेगी। शेयर मार्केट, सट्टा, लोटरी आदि में भी आपको अचानक से धन प्राप्त हो सकता है। जिस प्रॉफिट की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, वह प्रॉफिट आपको अचानक से मिल सकता है, वो भी जून के पहले सप्ताह में ही, 1 जून से लेकर 7 जून तक। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप किसी भी नए व्यापार की या नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं ना,
तो भी आप यह कर सकते हैं। उसमें आपको मुनाफा ही मुनाफा प्राप्त होगा, परिवार में मान सम्मान रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और साथ ही कारोबार यानी कि व्यापार में भी लाभ के अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर आप लोगों के अच्छे समय की शुरुआत होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि कर्क राशि वाले व्यक्ति भगवान श्री बजरंगबली का आशीर्वाद पाने के लिए महीने में बड़े मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी को गुलाब की माला जरूर चढ़ाएं। अगर गुलाब की माला नहीं है तो आप उनको सिंदूर चढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर लाल रंग मंगलवार के दिन आपकी राशि पर सबसे ज्यादा और विशेष रूप से शुभ फलदायी सिद्ध होगा। चलिए जान लेते हैं मंगल गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में किस डिपार्टमेंट में आपको नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरु जी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरु जी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मंगल के गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। मित्रों, सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी मंगल देव का राशि परिवर्तन करना बहुत ही अच्छा और लाभदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि एक तो भगवान मंगल देव 1 जून के दिन आपकी राशि के नवे घर में प्रवेश करेंगे, ऐसे में इस समय आप लोगों को अपनी किस्मत का साथ मिलेगा, आपको नई ऊर्जा प्राप्त होगी, बुद्धि और बल का विकास होगा, इस दौरान आप कई प्रभावशाली लोगों के साथ संबंध बना पाएंगे। जो भी सिंह राशि वाले व्यक्ति, अगर आप विदेश यात्रा के लिए कहीं पर भी अप्लाई कर रखे हैं, वीजा के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, तो आपको इसमें बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जो विद्यार्थी है लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो मित्रों जून के महीने में ही आपकी यह तलाश पूर्ण होने वाली है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इसी महीने मनचाही जगह से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और उसी में आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। बाकी जो भी सिंह राशि वाले है ना, ऐसे लोगों का परिवार का सब कुछ अच्छा चलेगा, लंबे समय से अगर कोई भी रुपये पैसे से जुड़ा संकट चल रहा था तो वो दूर होगा और जीवन साथी के साथ आपके जो रिश्ते है ना, वो पहले के तुलना में बेहतर होंगे, वैवाहिक जीवन भी सुख में गुजरेगा और इसके साथ ही व्यापारी वर्ग के लोगों को भी व्यापार में काफी अच्छा धन का लाभ मिलने वाला है। आपको उपाय बताया गया है कि आप हर मंगलवार के दिन
दिन सुंदरकांड का पाठ करें, या फिर आप बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। और उसके अलावा महीने में जो बड़ा मंगलवार आता है ना, उस दिन गरीब व्यक्ति को गुड़ की मीठी रोटी या मीठी पूड़ी का दान कीजिए। ऐसा करने से कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होगी और साथ ही आपको अपने भाग्य का यानी कि किस्मत का भी पूरा साथ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं मंगल देव के महागोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने जा रही है वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का की कू बड़ा गय छह के को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी मंगल देव का गोचर करना काफी अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा। एक तो जो आर्थिक रूप से समस्याएं है वो दूर होगी, साथ ही पुराना अगर कोई भी कर्ज चल रहा है तो उससे छुटकारा मिलेगा। करियर में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, आपको उसमें संतुष्टि भी रहेगी, सारी अधूरी इच्छाएं पूरी होने वाली है। व्यापार में भी आप जमकर मुनाफा कमाएंगे। विशेष रूप से जून का जो पहला सप्ताह है ना, यह तो आप लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। आप अपने जीवन में काफी अच्छी प्रगति हासिल करेंगे। आप लगभग जो भी प्रयास करेंगे ना, उन सभी में आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। जो शादी सुधा है ना मैरिड है, उनका वैवाहिक जीवन तो खुशनुमा रहेगा ही, साथ ही मंगल देव के उच्च भाव में आने से जो भी कुंवारे हैं या अविवाहित है ना, ऐसे सभी लोगों का विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मंगल देव को मजबूत करने के लिए और भगवान श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन आप व्रत रखें और शाम के समय बूंदी का प्रसाद बांटने से भी अमंगल जो भी है ना वो दूर होगा। उसके अलावा आप चाहे तो किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से सलाह लेकर मंगलवार के दिन मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी उपाय नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है कि कम से कम मंगलवार के दिन लाल कपड़ा जरूर पहनना है। अगर आप कपड़ा नहीं भी पहनते हैं तो मंगलवार के दिन लाल सिंदूर का तिलक लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आप जीवन में इतना मात्र भी कर लेंगे ना, तो आर्थिक रूप से आपको समृद्धि तो मिलेगी ही, साथ ही इतनी ज्यादा सफलता प्राप्त होगी कि कम उम्र में ही करोड़पति बनने का सपना पूरा होगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाँ।